फैट का ये खासियत है कि वो जब चढ़ता है तो पता नहीं चलता है, जब चढ़ जाता है तब पता चलता है। हेलो, तो आज ये 17 यानी कि आज का दिन है खतरा, तो मैं फटाफट अपने काम निपटा लूं। पूरा दिन पड़ा है साथ में बैठ के बात करने को, क्योंकि आज मैंने अपना कैमरा फुल्ली चार्ज कर रखा है। तो अभी मैं फटाफट मशीन की तरह काम करती हूँ। आई विल सी यू सून। एक मिनट दिखाती हूँ। तो पीने का पानी, कुकिंग वाटर सब मैं भर चुकी हूँ। अब मैं जाऊंगी गीजर ऑन करना। क्या हो रहा है टाइम? हाँ, इट्स 10:05। एक मिनट यार, मुझे कहीं उल्लू तो नहीं बना रहे सारे? मैं तो पूरी तैयारी के साथ अब रेडी हूँ फ्लाइट जाने के लिए। आज जैसे मैं तैयार हुई हूँ ना हर चीज को टाइम पर रेडी करके, अगर मैं डेली ऐसा करूं तो मेरा दिन अमेजिंग जाएगा। जा क्यों नहीं रहा? मेरा सारा प्लान इसके बाद का है। लाइट जाएगी तो फिर मैं कुकिंग करूँगी, फिर मैं रीडिंग करूँगी। आज अगर लाइट गई तो अंदर तो अंधेरा होगा ही, घर के बाहर भी अंधेरा होगा, क्योंकि बादल अपने मूड पे है और बरसने के लिए रेडी है, तो बाहर भी अंधेरा है। जाओ जाना है तो ये वैसे वाली हालत हो गई है कि बस गेस्ट जाने वाले होते हैं और रुके रहते हैं कि हाँ भैया थोड़ा और अंदर से लगता है नहीं अब जाओ। अब हमने मन को ट्यून कर लिया है आपके बिना रहने का। गो गो। कोई कह नहीं सकता कि मैं किस चीज का वेट कर रही हूँ। भैया मैं इलेक्ट्रिसिटी जाने का वेट कर रही हूँ। मैं कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? Your bags and leave this town. I don't wanna see you coming round. No, I don't wanna waste my precious time again. With the Star Trek sticker on your Cadillac. I don't wanna see you coming back. No, I don't wanna see your gloomy face again. मैं यहाँ पे 5 महीने से नहीं हूँ। अदानी ने मुझे वही बिल भेजा है जो आता आया है। मुझे ना फिलहाल ये और वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है ना कुछ बीच में जैसे मास्क आता है वैसे ही आ रहा है। फूल है तो हो सकता है कि आज इलेक्ट्रिसिटी हमें धोखा ना दे, क्योंकि उड़ती उड़ती ऐसी खबर आई है। और एक मैं ही हूँ जिसने लाइट जाने के बाद ऐसा अपना दिन प्लान किया है, अदरवाइज सब लोग बहुत खुश हैं। चलो जी काम पे लग जाओ। नॉर्मल डे, हो सकता है लाइट ना जाए और हो सकता है चला भी जाए, तो अपने आप को रेडी रखना है दोनों ही सिचुएशन के लिए। तो ठीक है, क्या स्प्रे करना है? आप वहाँ कर लो, सिर्फ डक के पास पहले वॉशरूम कर लो। कितनी मुश्किल सी हो गई है ना जिंदगी। मतलब पहले इतना आसान था तब वो जिंदगी खास नहीं लगता था, अब देखो पलट कर तो वही खास लगता है। ये अजीब सा टाइम आ गया है। बड़े अच्छे से ये लोग आ रहे हैं सोसाइटी में, कहीं हाथ नहीं लगा रहे। हैंडल विंडो सब आपको खोल कर देना होता है ताकि आपको बार बार सैनिटाइज ना करना पड़े। हमें जब
खूबसूरत सी लाइफ मिलती है तब हम उसकी कदर नहीं करते, और जब ऐसा तूफान मच जाता है जिसको कहते हैं गदर मच जाती है लाइफ में, तब हम सोचते हैं हाय वो भी क्या दिन थे। आज नाश्ता और खाना एक साथ बना रही हूँ ताकि आज किचन में कम टाइम बिताना पड़े, और सुबह से दूसरा ही मूड था, अलग तैयारी थी, पानी और नहाना और बर्तन, तो कुकिंग थोड़ा लेट हो रहा है। ये मुरमुरे बटर में फ्राई करूँगी और इसके साथ में खाऊँगी घूमने नाश्ते में, और अपना स्पेशल वाला चाय, और इधर होगा हमारा जीरा राइस। घूमने मुरमुरे चाय परफेक्ट नाश्ता। लंच ऑन टाइम। अभी मैं बातों ही बातों में कुछ काम अपने ख़त्म करती जाऊंगी। तो आज है कुरियर कलेक्ट करने का दिन, कल से ही एक्चुअली ये चालू हो गया है। तो मैंने थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर मंगवाया है, ये आ गया, लेकिन अभी भी दो तीन कुरियर हैं जो कि नीचे हमारे कुरियर कलेक्शन वाले एरिया में जाकर कलेक्ट करना पड़ता है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ, ये उसी की तैयारी है। अभी ना टेक्निकल एक प्रॉब्लम है मेरे साथ कि मैं फ़ोन पे ऐसे शूट करते हुए जाऊंगी, लेकर आऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ जब मैं अंदर आऊँ तो आप लोगों से बॉक्स के साथ मिल सकूँ, तो मैं क्या करूँ? मैं कैमरा ऑन करके जा रही हूँ। यस, बाय बाय। इट्स अ ट्रायल वीडियो क्योंकि मैं सेल्फी में हाथ थोड़ा तंग है। या दैट इज फाइन, आई एम आउटसाइड। या हाँ, यस, दिस इज माय की। एक मिनट, अब मैं काम ख़त्म कर लूँ, आउच, उसके बाद करती हूँ। नहीं, लिफ्ट से नहीं जाऊँगी, मैं स्टेयर से जाऊँगी, आदत है ना लिफ्ट की। तो पानी है, दिन और रात बारिश हो रही है यहाँ पे, सो स्टेज पूरे गीले हैं। देख रहे हो ना पानी, बहुत बारिश हुई है। फाइनल डेस्टिनेशन दीवा, और अब हम घूमेंगे कि कुरियर कहाँ है। एक मिनट, मैंने ग्लव्स में पहना था, ग्लव्स पहनूंगी। नहीं पता कि कुरियर कहाँ होता है। सी कैसा वीराना है पार्किंग, कभी यहाँ मतलब हम लोग टहलते थे ना तो लोग मिलते थे, हाय हेलो हो जाती थी। भैया ये कुरियर कहाँ आकर रखा रहता है? आउटसाइड, ओके थैंक यू, मिल गया। हम ऐसे शूट करेंगे ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब भी ना हों। भैया कुरियर यहीं आया है क्या? आप चेक करेंगे या मैं आकर देख लूं? आप देख लीजिए ना, कौन सा भी है? एविंग, एविंग का ये है, 305 का बता रहा है। नहीं है सर, 2502 ना। यस, ये दोनों बॉक्स मेरे हैं। तो थैंक यू भैया। लॉकडाउन हुआ था तो वहीं रुकना पड़ा था, पटना के पास ही गांव था। अच्छा, इंस्टा पे देगा? ओह थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू भैया। सो आई गॉट माई कुरियर, और यहाँ आकर खुशी हुई कि हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी इंस्टाग्राम पे हैं और यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, और देखते पहचान गए। आई डोंट नो हाउ, आई मीन मास्क के साथ। ओके, तो मैं अभी चेक करूँगी अपना लेटर बॉक्स जो कि 5 महीने से बंद पड़ा है, देखो क्या हालत है।
के दिख रहे हैं आपको बॉक्सेस। ओह गॉड, मेरे वाले का क्या हाल होगा। एनी गेस मेरा इसमें से कौन सा होगा, मेरा कौन सा लेटर बॉक्स है। गेस 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 गेस। ओह आई एम सॉरी, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे जैसा कि मैंने कहा था। मैं की लेकर नहीं आई हूँ तो इसके लिए मुझे दोबारा आना पड़ेगा। ओह गॉड, टू मोर फ्लोर। ये ना लॉकडाउन में ना फिटनेस की लग गई है। और मैं कल का अपना वीडियो देख रही थी और मैंने कहा मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। पता है फैट का ये खासियत है कि वो जब चढ़ता है तो पता नहीं चलता है, जब चढ़ जाता है तब पता चलता है। तो मेरे जो पेट पर रिचनेस आई है ना, वो सारी जो रईसी दिख रही है मुझे वो हटानी होगी। कल का वीडियो मेरे लिए आई ओपनर वीडियो था। घर आ गई हूँ। वेलकम होम। बचते बचाते हम लेकर आ गए हैं अपना कूरियर। तो ये है बैटरी, अभी इसकी बहुत ज़रूरत थी। ओके जी, राम राम। तो 17 बीत गया पर कोई ख़तरा नहीं आया। आज बिजली पूरे दिन चकाचक वैसे ही रहा जैसे रहा करता था और मैं डर के मारे पूरे दिन डिसिप्लिन में रही हूँ इस इंतज़ार में कि कभी भी बिजली जा सकती है, और बिजली नहीं गई। तो मुझे पहले तो गुस्सा आया कि जो कहा था वो करना चाहिए, और जब नहीं गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ मैं क्योंकि परेशानी के लिए प्रिपेयर थी, ऑलरेडी पूरी तैयार थी कि ऐसा हो सकता है, तो मुझे डर ही नहीं लग रहा था बिजली के जाने से। जबकि मेरे मुझे लगता है मेरा जो एटीट्यूड है कि उफ पैनिक होने वाला कि अरे लाइट चला जाएगा, ऐसे में फ़ोन चार्ज होगा या नहीं होगा, फ्रिज का क्या होगा, ये सारी चीज़ें मुझे हुई ही नहीं क्योंकि मैं बिल्कुल सेट थी। आज मैं जब किताब पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि भैया मैं शेष परिचय पढ़ रही हूँ, शेष प्रश्न नहीं। और वही मैंने कमेंट में भी पढ़ा, किसी ने मुझे मेंशन भी किया है कि ये शेष प्रश्न नहीं शेष परिचय है। और मैं इतनी खुश हुई कि ओ गॉड, इतने गौर से देखते हो आप लोग। जो चीज़ उस टाइम पे मैं नहीं पकड़ पाई वो आपने पहले पकड़ा था, मैंने बाद में रियलाइज़ किया। हुआ यूँ कि मैं शेष प्रश्न पढ़ना चाहती थी और हाथ लगा शेष परिचय, और मुझे लगा कि मैं शेष प्रश्न ही पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में शेष प्रश्न ही चल रहा था। चलो जी, मैं अब करती हूँ पढ़ाई। बाय बाय, गुड नाइट, राम राम, शुभ खैर, जय भारत। हेलो, मैं रेडी दिख रही हूँ आपको क्योंकि मैं, अरे नहीं यार, ऐसे कोई बदतमीज़ लड़की हूँ मैं, ऐसे कोई बात करता है। मैं एक बार ऑनलाइन बोलूँगी, हमेशा कुछ गलत बोलती हूँ। ऐसे लाइट जाने का आज कोई दुख नहीं होगा। आज लाइट जाने पे, आज जब लाइट जाएगी तो मैं अपना करूँगी, तो मैं अपना क्या हो रहा है, क्या शूट बोल रही हूँ, क्या स्प्रे करना है, स्टेयर्स पूले स्टेज पूरे गीले। बस अब मैं चली नहाने, नहा तो चुकी हूँ।